इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर पाकिस्तान से आ रही है। जी हां, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा बम फूटा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़े मोड़े नहीं कई अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान में भी कई लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है, जानेंगे हम विस्तार से कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है और पाकिस्तान में जो ये बड़ा बम फूटा है उससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पीओके पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में जब पीओके को लिया जाएगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान में तालिबानियों ने, मतलब कि टीपीपी ने, वहां पर सबसे बड़ा बम फोड़ा है, अब तक का सबसे बड़ा बम यह बताया जा रहा है, जो मानव बम था। जी हाँ, एक इंसान टीपीपी का आता है और अपने शरीर पर बम बांध करके पूरे के पूरे शहर के बीच में वह बम फोड़ देता है, जिसमें उस व्यक्ति के तो चीथड़े उड़ जाते हैं, साथ ही साथ वहां पर मौजूद काफ़ी लोगों की जान भी चली जाती है। यही नहीं, वहां पर मौजूद आर्मी, सेना और साथ ही साथ पुलिस वालों को भी भारी नुकसान होता है, जिससे पाकिस्तान में आने वाले टूरिज्म पूरी तरीके से बंद हो गए हैं और उन्हें अरबों खरबों डॉलर का भी नुकसान हुआ है। बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान में ये बम फूटा है उसकी आवाज़ बताया जा रहा है कि पीओके तक सुनाई दिया था। यही नहीं, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बम फोड़े जा रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि यदि वह अपने यहाँ पर टीपीपी जैसे आतंकवादी समूह को कंट्रोल नहीं किया तो भारत को मजबूरन सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। यही नहीं, यह भी बताया गया है कि सीमा पर आर्मी की हेर फदल, मतलब कि अदला बदली भी की जा रही है, जैसे जहां पर जिस तरीके की आर्मी थी उस तरीके की आर्मी को बदला जा रहा है। अब इस बदलाव को पीओके समझ रहा है कि पीओके के ऊपर हमला हो जाएगा, लेकिन भारत का कहना यह है कि जो बदलाव हो रहे हैं वह अपने सुरक्षा में किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है यहाँ सुरक्षा में नहीं किए जा रहे हैं बल्कि पीओके के ऊपर हमले की एक सुनियोजित तैयारी की जा रही है। बता दें कि भारत ऐसे काम करता रहता है लेकिन पाकिस्तान खामखा डर रहा है।